नमस्कार दोस्तों, पुष्पस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मान कोचू का भरता। भरता तो आप बहुत सारा खाए होंगे, चलिए देखते हैं ये भरता कैसे बनाएं। यहाँ 250 ग्राम मान कोचू है। मान कोचू को अच्छे से छील के, इसका छिलका उतार के छोटा छोटा टुकड़ा में काट के धो के रखी हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे ही काट लेना है। यहाँ 10 लहसुन की कलियाँ है, 4 हरी मिर्च, आधा नींबू का टुकड़ा, पानी, यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 4 चम्मच सरसों का तेल, 1/4 चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। देखिए दोस्तों, अब मैं मान कोचू को कुकर में दे दूंगी। दे के इसमें 250 ml करीब पानी दे दूंगी। दे के आप ज़रा सी 1/4 चम्मच से भी कम नमक दे दूंगी। दे के अच्छे से मिक्स करके अब ढक्कन लगा के इसको 1 सीटी होने दूंगी धीमी गैस में। देखिए दोस्तों, मान कोचू मेरा पक गया है। 1 सीटी दे के ढाल के रखी हूँ, पानी झाड़ ली हूँ। अब मैं एक कढ़ाई में 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल दूंगी। यहाँ सरसों तेल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सरसों तेल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए दोस्तों, अब मैं कलौंजी को दे दूंगी। दे के थोड़ा देर पकने दूंगी। दे के अब 4 हरी मिर्च को मैं चीरा लगा के रखी हूँ, उसको भी डाल दूंगी। डालने के बाद अब जो लहसुन, 10 लहसुन की कलियाँ था, उसको कद्दूकस कर ली हूँ। लहसुन को भी दे दूंगी। दे के जस्ट इसको तेल के साथ मिक्स कर लेना है। 5 सेकेंड के लिए पका लूंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर भी चेंज नहीं होना है। अब मैं जो मान कोचू उबाल के रखी थी, कोचू दे दूंगी। दे के एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स करना है और करके ये मान कोचू को अच्छे से मैश कर देना है। बहुत अच्छे से एकदम मिही हो जाए, जैसे पेस्ट बनता है वैसे बना लेना है। लेके अब स्वाद अनुसार नमक दे दूंगी। देने के बाद अब लाल मिर्च पाउडर और हल्दी भी दे दूंगी। दे के अच्छे से इसको फ्राई भूनना है। बहुत देर तक इसको भून लेना है। देखिए ऐसे चलाते हुए गैस मेरा हाई फ्लेम में ही रहेगा, रहते हुए इसको भूनते रहना है। एक चावल के साथ खाने में इतना टेस्टी लगता है दोस्तों। आप लोग तो भरता बहुत सारा खाए होंगे, ये मान कोचू का भरता एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ दूंगी, क्योंकि कभी कभी इसका गला में लगता है, कुटकुटाता है, इसीलिए ये नींबू देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अब मैं बहुत देर तक इसको अच्छे से भून लूँगी, इसे चलाते रहूँगी। देखिए दोस्तों, मान कोचू का भरता बनाने में 7 मिनट टाइम लगा है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मुलाकात होगा नई वीडियो के साथ।